अस्सलाम वालेकुम नाज़नीन, मुझे सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, अगर अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल कुकिंग विद नाज़नीन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप लोग नए आए हैं और हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं ताकि आपको मज़ीद अच्छे अच्छे जो से वीडियोज़ हैं कुकिंग की, इसके अलावा जो से व्लॉग्स हैं वो मिलते रहे, तो बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। तो व्यूवर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो से हमारी रेसिपी है वो है घिया चने की दाल। हाँ, घिया चने की दाल। और ये किस तरह तैयार होगी रेसिपी, इसकी तरकीब क्या है, ये जानते हैं मम्मा से। जी मम्मा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे किसी ने कहा था कि घिया चने की दाल पकाने का तरीका बताएं आप, ठीक है, मैं उनकी फरमाइश पे बना रही हूँ। ये मैंने पाव दाल है, पाव घी है, ठीक है, हाँ एक पाव, ये मैंने ऐसे ऐसे काट लिया, वो अपनी मर्ज़ी से भी आप कर सकते हैं। ये मैंने दाल भिगो दी थी, अब मैं पानी डाल दूँ इसमें, ठीक है। ये हम ना पकने के लिए रख देते हैं इसे, ठीक है। अच्छा जी, ये प्याज हम ब्राउन करेंगे हल्के हल्के से, फिर ये दो टमाटर, मतलब ये अलग से तैयार करेंगे। नहीं नहीं, ये पक जाए ना, उबल जाए, मतलब अच्छी तरह जरा सी गल जाए, फिर लहरा मसाला तैयार करेंगे, फिर दाल को डाल देंगे, मतलब वही ना अलग बर्तन में तैयार करेंगे, इसी बर्तन में नहीं उसके मसाले को तैयार करना। हाँ जी, मसाला भून के ना दाल छोड़ देंगे बीच में। अच्छा जी, आधा चम्मच मिर्च का, आधा चम्मच हल्दी का, आधा चम्मच नमक का, और ये जीरा लिया थोड़ा सा, ठीक है। तो व्यूअर्स, देखते हैं कि ये जो मज़ेदार सी रेसिपी हम लोग तैयार कर रहे हैं कैसे तैयार होगी, क्योंकि रिक्वेस्ट पे ये रेसिपी हम लोग बना रहे हैं, तो आई होप कि आपको पसंद आएगी। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, वीडियो को पूरा देखना देना, मज़ेदार से जो सी घिया चने की दाल की रेसिपी है वो कैसे तैयार होगी। जैसा कि आप लोग, हम लोगों ने बताया था कि आज की हमारी रेसिपी है झींगे और चने की दाल, तो हम लोग यहाँ पर प्याज ब्राउन कर रहे हैं, और प्याज ब्राउन करने के बाद किस तरह इस रेसिपी को हम लोग फर्दर बनाएंगे आप लोग के सामने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ हम आपको दिखाएंगे। तो अभी प्याज ब्राउन होने का वेट करते हैं, आपको दोबारा खा दीजिए। टमाटर, प्याज, मसाला भी अच्छी तरह भूनते हैं, खुशबू माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है मसाला भूनने की। प्याज हम लोगों ने कटाई ब्राउन की है, उसके बाद हम लोगों ने टमाटर, हरी मिर्च डाली है ना। हाँ जी, हरी मिर्च, और वही स्पाइसेस जो हमने शुरू में आपको दिखाए थे वो उसके अंदर ऐड कर दिए हैं। तो अलग से हम लोगों ने यहाँ पर मसाला तैयार किया है, और दूसरी तरफ हम लोगों ने जो से चने की दाल है और घिया, हाँ घिया, उसको हम लोगों ने पकने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पे हम लोग मसाला तैयार कर रहे हैं, और किस तरह हम लोग इसको मतलब बनाएंगे, फाइनल करेंगे, ये आप लोगों ने देखना है। और व्यूअर्स, अगर तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप लोग नए आए हैं, तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं। ये अब मम्मा ने इसके अंदर जो सी है चने की दाल और जो घिया मतलब अलग से तैयार किया था वो भी इसके अंदर शामिल कर दिया। अब इसे डाल के ना भूनते हैं, ये देखिए, तो मतलब ये खड़ा खड़ा ही रहेगा कि दाल भी, थोड़ा सा पानी डालेंगे ना। घिया भी, हाँ जी, अब तो भून रहे हैं ना इसे। ओके, मतलब उन लोगों के लिए जो मतलब दाल सब्जी को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उनके लिए तो बेस्ट कॉम्बिनेशन है, सब्जी भी है, दाल भी है, ठंडा मतलब उसकी तस्वीर ठंडी, और गर्मियों का मौसम है, तो ये अच्छी रहेगी रेसिपी, आप लोग बना सकते हैं इसको। हाँ जी, जो गोश्त के शौकीन नहीं है, हाँ वो बना सकते हैं, क्योंकि हमारे घर भी कोई है ऐसा बंदा, मेरे वहाँ से लग रहा होगा। हाँ जी, वो आज नहीं खाएगी ये खाना, वो बाजार से आज मंगाएगी कोई चीज़। मैं नहीं खाना है, हाँ मैंने कुछ ऑर्डर करना है। हाँ जी, आप लोग बनाए, आप लोग खाएं, बहुत अच्छी है रेसिपी। हम लोग खा रहे थे, ये नहीं खा रहा अभी, हाँ। ये भी खाएगी, क्यों नहीं खाएगी, नहीं मम्मा, तो मम्मा के हाथ का पका हुआ। अब आप, हाँ ये मुझे इमोशनल कर रही हैं। हाँ जी, बस ये भून लें पाँच मिनट, तो फिर ना वो जो पानी है ना दाल का, वो मैं डाल के ना रख दूँगी पकने के। हाँ जी, घी भी आ गया, ये मैंने पानी डाल दिया। अब इसको हम लोग कितनी देर पकने के लिए रखेंगे? बस थोड़ी देर के लिए, 10-15 मिनट पक जाएगी, तो थोड़ा सा ये गाढ़ी भी हो जाएगी। ये देखिए माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने ना मेथी डाली है, कसूरी मेथी, ये देखिए मिक्स कर दिया मैंने इसे डाल के, ये देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे, मारा घिया भी गल गया, चने की दाल भी, घी भी आ गया, मैं आपको निकाल के।
जी। तो व्यूवर्स माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो सी आज की रेसिपी है जो हमने आपके साथ शेयर की है घिया और चने की दाल वो फाइनल हो चुकी है। ये है उसका फाइनल लुक और आप लोग देख सकते हैं घी भी आ गया है, जो सा घी है वो भी नरम हो गया है और जो सी दाल है वो भी गल चुकी है। तो हमने इसको देशकी में ही बनाया आप लोग के सामने, कोई प्रेशर कुकर के अंदर हमने इसको नहीं बनाया। तो अब आप लोग मतलब वो लोग जो से स्केयर हैं या फ्रेड हैं कुकर यूज़ करने के हवाले से वो ईजिली अब इस दाल की रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। तो व्यूअर्स आई होप कि आपको हमारी जोन से आज की रेसिपी पसंद आएगी, पसंद आए हम अपनी फीडबैक दें और अगर तो आप लोगों ने हमारे चैनल को कभी ना सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो व्यूअर्स लेते हैं हम आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हम आपके लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।